वेल गाइस, क्या सच में बीटीएस इंडियन टीवी शो केबीसी में आए थे? वेल, आप में से काफी लोगों ने ये क्वेश्चन मुझसे आईजी पे पूछा है, सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। एंड आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली में ज्वाइन हो जाइए एंड बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वेल, आप में से मुझे कमेंट में बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि केबीसी देखते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे जो कि केबीसी में जिन्होंने पार्टिसिपेट भी किए होंगे। एंड ऑब्वियसली बहुत से आमीज हैं जो कि चाहते हैं कि बीटीएस जब भी इंडिया आए तो कम से कम बीटीएस इंडिया के टीवी शो कपिल शर्मा के शो में तो आए ही आए। वेल, मैं आपको बता दूं कि आपने केबीसी देखा ही होगा कि वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सेम ऐसा ही हुआ, एक गर्ल थी जिनसे की क्वेश्चंस पूछे गए एंड क्वेश्चन ये था कि जो बीटीएस है वो कौन से देश से है। एंड आंसर्स में काफी देशों के नाम थे एंड जो साउथ कोरिया था ऑब्वियसली उसका भी नाम था। मैं आपको बता दूं कि जो गर्ल थी वो बीटीएस आर्मी थी एंड जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसके ऑप्शंस भी नहीं दिखाए गए, वो बहुत ज्यादा स्माइल करने लगी एंड विदाउट ऑप्शन देखे उन्होंने साउथ कोरिया का नाम बताया, जिसके बाद जो अमिताभ बच्चन है वो बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए एंड शॉक भी हो गए कि आप पहले ही से हंसने लग गए एंड आप ऑप्शन देखने से पहले ही इतने कॉन्फिडेंट है कि आपने सही आंसर दे दिया, तो ऐसा क्यों हुआ। देन उन्होंने बताया कि उन्हें बीटीएस बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं एंड वो एक बीटीएस फैन है। सो गाइस, आप मुझे कॉमेंट में बताओ कि क्या आपको भी अगर कभी ऐसा मौका मिला किसी ऐसे स्टेज पे जाने का जहाँ पे आपसे बीटीएस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे आपका रिएक्शन क्या होगा एंड क्या आपको ये बात पता थी या नहीं। एंड या आप मुझे कमेंट में बताओ आप में से कितने लोग केबीसी देखते हैं। इस न्यूज को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।